नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे हमीरपुर की खबर के साथ। हमीरपुर में खनिज अधिकारी पर चेकिंग के दौरान ट्रक चलाने का प्रयास जो है वो किया गया है। वहीं खनिज संपदा लदे ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान ही खनिज अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि चिकासी ही थाना क्षेत्र में लगे बैरियर को तोड़कर भागने की कोशिश की गई है, जिसके बाद खनिज संपदा लदा ओवरलोड ट्रक और जिसके बाद ही खनिज अधिकारी ने जालौन पुलिस की मदद से बुलंदखंड एक्सप्रेसवे में पीछा कर ट्रक को पकड़ा है और पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। बता दें आपको कि निकासी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर ट्रक चुराने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। चार फरवरी की शाम को ये थाना परसरामपुर के कड़सरा गांव में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। फौरन मौके पर थाना परसरामपुर की पुलिस और सीओरैया ने पहुंचकर मजरूर को इलाज के लिए भेजा था, जिसका इलाज फिर एचएमसी लखनऊ में हुआ। उसके पेट में गोली लगी थी, उसको ऑपरेशन करके निकाला गया। जो मजरूर श्रीकांत सिंह है वो खतरे से बाहर है। इसी संबंध में श्रीकांत सिंह के परिवार की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर 307 का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो राजेश सिंह और उनके लड़कों के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। राजेश सिंह का लड़का रोहित रोहन सिंह जो पूर्व में एक हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है, उसके ऊपर मिसर का भी अभियोग पंजीकृत था। उन दोनों मुकदमों में जमानत पाकर के वो वापस आया था और इस घटना में उसने ही गोली चला करके श्रीकांत सिंह को घायल किया था। इस संबंध में थाना परसरामपुर की पुलिस लगातार इन वांछित अपराधियों का की तलाश कर रही थी। राजेश सिंह और उनके दो लड़कों के ऊपर 25,000 रुपये के इनाम थे। कल रात्रि में थाना परसरामपुर की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए राजेश सिंह और उनके दो लड़कों को अयोध्या के पास से गिरफ्तार किया और उनकी सूचना पर रोहन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस की टीम गई थी तो रोहन सिंह ने जो उसके पास तमंचा था उससे हमारी पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ वो खतरे से बाहर है। इस पूरे प्रकरण में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें विवेचना पर दृष्टि रखे हुए हैं। आगे इन लोग के ऊपर निरीक्षण की कार्रवाई भी। बस्ती जिले के परसरामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई और 25,000 के इनामी बदमाश रोहन सिंह को मुठभेड़ के दौरान ही पैर में गोली लग गई है, जिसके 4 अन्य साथी को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले आपको कि बीते 4 फरवरी को ही परसरामपुर थाना क्षेत्र के ही बताया जा रहा है कि कटसरा गाँव में इन बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम दिया था और गोलीकांड में श्रीकांत सिंह को पेट में गोली लगी थी और जिन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज के रेफर कर दिया गया था और इलाज के बाद ही किसी तरह से उनकी जान बच पाई थी। पुलिस को घटना के बाद से ही इनकी तलाश थी और मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने अयोध्या से राजेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर ही पुलिस जब 25,000 के इनामी बदमाश रोहन को अरेस्ट करने के लिए घेराबंदी की तो बदमाश रोहन ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में ही रोहन के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली लगी थी जिसे पुलिस ने ही अरेस्ट कर लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। और तलब है कि 25,000 का इनामी बदमाश रोहन कुछ दिन पहले हत्या के एक मामले में जमानत पर ही जेल से बाहर आया था और 10 महीने पहले सेल्समैन को गोली मारकर लूट मामले में ही रोहन मुख्य आरोपी है। और एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान रोहन, राजेश, कुंदन, संतोष और निखिल को अरेस्ट किया गया है। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के ही सफीरपुर थाना क्षेत्र के अहमदाबाद माथर गांव में ही खुले शराब ठेका पर सैकड़ों महिलाओं ने दुकान में ताला जड़ दिया। शराब ठेका बंद कराने को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने कई घंटों तक हंगामा काटा है और हंगामे की सूचना पर सफीपुर SDM सफीपुर समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत कराया गया और वहीं गाँव से शराब ठेका हटाने को लेकर आबकारी अधीक्षक से बात गई तो उन्होंने बताया कि जो आपत्तियां दर्ज की है उसकी जांच करके उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताते चले कि करीब 3 साल पहले ही सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के अहमदाबाद माथर गांव में उन्नाव हरदोई मुख्य मार्ग पर देशी शराब ठेका की दुकान संचालित हो रही थी, जिसे शासन की मंशा रूप ही
प्रमुख मार्ग से हटा दिया गया था और जिसके पश्चात उक्त देशी शराब ठेका माथर और वंश खेड़ा मार्ग पर संचालित हो रहा था और जिसके चलते सफीपुर में ही अहमदाबाद माथर में संचालित हो रहे देशी शराब ठेका की दुकान पर गांव की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और गांव की करीब आधा सैकड़ों महिलाओं ने ही शराब ठेका पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है और शराब ठेका दुकान पर बैठे सेल्समैन को बाहर निकाल कर दुकान में ताला जड़ दिया। ये हो रही है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं लैट्रिन बाथरूम के ले जाते हैं आदमी, यहाँ गंदी गंदी गाली देते हैं, ना तो रोड से निकलने का रास्ता देते हैं, घर में पी खा के डकैती डालते हैं लोग, इसका भला कौन करेगा? क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग बस ये है कि ठेका यहाँ से हटना चाहिए। भैया लेडीजें निकलते हैं रोज, हाँ वो गालियाँ बकते हैं, लोग गालियाँ बकते हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल कोई चोरी हुई है क्या? जी हमारे घर में हो गई। क्या क्या चोरी हुआ था? कुछ नहीं बचा। शादी हुई थी, शादी के 15 दिन बाद चोरी हुई, जितना जेवर था वो गायब हुआ, बाकी पीतल के बर्तन सारा कुछ चला गया। अच्छा, सुबह आपका निरीक्षक से बात हुई, उन्होंने बताया कि कुछ महिलाओं ने माथर देसी शराब दुकान पर धरना प्रदर्शन किया है। थोड़ी देर के लिए दुकान बंद की गई थी लेकिन महिलाओं को समझा दिया गया है और उन्होंने जो आपत्तियां दर्ज की हैं उसकी जांच करके उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। फिलहाल मामला शांत होकर दुकान खुलवा ली गई है। इटावा के कलेक्ट्रेट परिसर में ही आजाद समाज पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। आजाद समाज पार्टी के ही पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने मांग न मानने की दशा में ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के द्वारा शहर में प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता पदाधिकारी और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पर जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है और 5 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने मांग की है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राजकुमार गौतम ने बताया है कि हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सबसे पहले सभी पत्रकार बंदियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राजकुमार गौतम है, मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश का उपाध्यक्ष और लखनऊ कानपुर मंडल का प्रभारी हूँ। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है इसमें 5 मांगें हमारी हैं, जिसमें सर्वप्रथम है जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार अतिशीघ्र जाति जनगणना कराए। नंबर 2, जैसे OBC है उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनको जो आरक्षण मिल रहा है उसके अतिरिक्त 15% आरक्षण दिया जाए। जैसे SC ST को 22% आरक्षण मिल रहा है, उनको 5% आरक्षण की मांग की गई है। और ठेकेदारी व्यवस्था में, जैसे ठेकेदारी व्यवस्था थी उसमें पहले SC ST को आरक्षण था, तो पुनः उसको बहाल किया जाए। और जो पूर्व सरकारों ने, कांग्रेस सरकार और अन्य सरकारों ने जो भूमिहीनों को जो पट्टा दिए थे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। SP प्राची सिंह के निर्देशन पर श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ये शातिर ठग साधु के भेष में लोगों को बहला फुसला कर ठगी किया करते थे और ठगी के कब्जे से 12 अदद बर्तन और 3000 नकदी के भी, बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1 अदद देसी और तमंचा, 3 15 बोर और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये 23 जनवरी को जन सुनवाई के दौरान मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि 3 आदमी आए उनके घर में और जो कि साधु सन्यासी की भेष में थे और उनसे जो है पूजा पाठ के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करके ले गए। इसमें SOG टीम को और थाने की टीमों को लगाया गया, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, अभी एक की गिरफ्तारी होनी बाकी है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मिराज हैं और याकूब हैं, दोनों बहराइच के, एक बहराइच का रहने वाला है,
दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं, ये दोनों मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बावजूद भी ये लोग जो है साधु सन्यासी का भेष धारण करते हैं और ठगी करते हैं। इनके खिलाफ बहराइच में, बाराबंकी में और हमारे यहाँ गिलौला थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार का एक मुकदमा सिरसिया थाने में भी एक दो दिन पहले दर्ज हुआ है, उसको अभी वर्कआउट करना बाकी है, इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बदायूं जिले के बिसोली कोतवाली क्षेत्र के ही सुजानपुर गांव में एक 14 वर्षीय किशोर निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे ही अपने खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गया था। तभी पशुओं को चारा लेकर वापस लौटते समय ही 11,000 वोल्ट बिजली का तार किशोर के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के जेई और लाइनमैन के खिलाफ बिसोली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में ही अधिशासी अभियंता बिसोली से इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रकरण की गहनता से जांच की जाएगी और विद्युत विभाग की तरफ से मृतक के लिए मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। बदायूं में लगातार परिवहन अधिकारी के द्वारा रोड पर छापेमारी की जाती है और लगातार नियमों के विरुद्ध रोड पर तोड़ रहे वाहनों को सील किए जाते हैं और चालान भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरलोड वाहनों की संख्या रोड पर अत्यधिक देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि परिवहन अधिकारी रमेश प्रजापति ने बिसोली क्षेत्र में ही सुबह से छापेमारी करना शुरू कर दिया, जिसमें कर बकाया बिना फिटनेस और इसके साथ ही बिना परमिट संचालित हो रहे 3 वाहनों को सीज किया गया। वहीं ओवरलोड भरकर ले जा रहे और यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर 9 वाहनों के चालान भी किए गए हैं। कर बकाया बिना फिटनेस बिना परमिट संचालन के सापेक्ष 3 वाहन थाने में सीज किए गए हैं, बाकी 7 वाहनों का चालान किया गया है, 2 ओवरलोड वाहन चालान किए गए हैं और ये कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। लगातार सर चरौसी और जो बिसोली मार्ग है इस पर लगातार वो लटकती हुई जो सवारियां जाती हैं उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन अब हम एक एक गाड़ी के पीछे तो नहीं चलेंगे। जो भी गाड़ी हमारे सामने से गुजरती है हम उसको रुकवाते हैं, चेक करते हैं और चालान करते हैं। रायबरेली में पुलिस लाचार दबंग बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस की लाचार कार्यशैली से हिस्ट्रीशीटर से ग्रामीण परेशान है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली के विवाद में ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। हिस्ट्रीशीटर शिवा की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। मामला आपको बता दें कि गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के चिलोला भंगरिया का गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। चिलोला भंगरिया पीएन वाजपेयी गुरबख्शगंज नाली और खरिंजा और सड़क छुड़ियन का मामला है। आप दानों बंद किए हैं? राम कुमार कहीं घर के पीछे घर है, सड़क को पार पूरे गांव का निकास है, रास्ता का शिकायत करी के 100 नंबर आई, आए हैं डीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिलाने, कहाँ नहीं होगी फिर कोई आगे चारा होगा। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में वैलेंटाइन डे को लेकर विरोध शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठन बजरंग वाहिनी के द्वारा आगरा के राजा मंडी चौराहे पर वैलेंटाइन डे का विरोध किया और पुतला फूंका गया है और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई है। पुतला बजरंग वाहिनी के द्वारा राजा मंडी चौराहे पर फूंका गया, जिसमें हिंदू संगठन के लोगों ने हिदायत देते हुए कहा है कि सभी इस फूफड़ा से ही दूर रहें और बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ता शहर के अलग अलग पार्कों में जाएंगे और जो कपल्स मिलेंगे उनके परिजनों को बुलाकर उनके सुबोध कर देंगे। ये
ये हमने सभ्यता विदेशी सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता जो वैलेंटाइन है नहीं है कोई एग्जाम का हुआ कुछ बताइए। जिस प्रकार से हर साल की सार की वैलेंटाइन डे रोज डे फूल डे किट डे जो हरकत ये खास तौर फरवरी में 7 तारीख से लेकर 14 तारीख होता है वो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। पिछली बार सरकार से हमने कहा था, कानून से कहा था, पुलिस से कहा था, देख कीजिए हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है कि सरकार और प्रशासन और जो पार्कों के अंदर जो ऐसी उनको रोका जाए, अन्यथा बहिरंगवाणी कार्यकर्ता जाएंगे वहां जो भी मिलेंगे उनकी माओ को बुला के उनके सपोर्ट किया जाएगा। हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में 2.5 साल की बालिका के साथ रेप का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया है और इस रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके ले जा रही थी और इसी बीच वो सिपाही की राइफल छीनकर भाग निकला और रोकने पर पुलिस पर फायरिंग किया था। दरअसल मल्लावा कोतवाली इलाके के रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर के सामने रहने वाली एक 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जब उसकी बड़ी बहन जाग गई तो आरोपी भाग निकला था और इस पूरे मामले में ही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ला रही थी और इसी बीच युवक ने सिपाही की राइफल छीन ली और भाग निकला। राइफल छीनकर भाग रहे रेप के आरोपी को सिपाहियों ने जब रोका तो उसने सिपाहियों पर फायरिंग कर दी और पुलिस के द्वारा ही आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से गोली लगने से जो युवक है वो घायल बताया जा रहा है। मामले की सूचना पाकर एसपी राजेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से डॉक्टर ने उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था और एसपी ने बताया है कि इस पूरे मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका एक गद्दर नाम का व्यक्ति जिसके बारे में ज्ञात हुआ है कि शायद अन्य अपराधों में भी कभी जेल गया है, वो अपने घर के ठीक सामने जो रहते हैं कल रात में उनके घर में कूद गया था, उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बड़ी बेटी के जागने पर भाग गया था। इनकमिंग वॉइस कॉल। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, वो उसकी तलाश की गई, वह हिरासत में लिया गया। थाना ले आते समय वह आरक्षी की राइफल छीनकर भागा, वह रोकने पर उसके द्वारा फायर किया गया पुलिस पर। पुलिस द्वारा हिकमत अमली से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें उसे पैर पर गोली लगी। वह इस समय CHC मलावा में। अलीगढ़ के मंजूरगढ़ी में दबंगों द्वारा प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार SSP कार्यालय पहुंचा। दरअसल SSP कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंचे थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत लोको कॉलोनी के रहने वाले एक परिवार की पीड़ित महिला शाहीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने ही एक प्लॉट मंजूरगढ़ी में अपनी पुत्री की शादी के लिए 15 साल पूर्व खरीदा था। उन्होंने बताया कि तभी से उनके प्लॉट पर उनका कब्जा भी है और पीड़िता का कहना है कि अब कुछ समय पहले क्षेत्रीय दबंग उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिए हैं और पीड़ित का यह भी कहना है कि साफ तौर पर कि जब वो अपने प्लॉट पर जाते हैं तो उस वक्त ही दबंग जान से मारने की धमकियां देते हैं और पीड़िता का आरोप है कि इस घटना की शिकायत को लेकर कई बार पुलिस के पास गई है लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार SSP कार्यालय पहुंचा, SSP से न्याय की गुहार लगाई गई है। गज का प्लॉट था, हमने अपनी बेटी के लिए लिया था बहुत मेहनत मजदूरी करके गांव की जमीन बेच कर और वो एक दबंग है उसने कब्जा कर लिया, वो देना नहीं चाह रहा, ताहिन नाम है उसका और हमने अपनी बच्ची के लिए बहुत मुश्किल से लिया। चाहें तो इंक्वायरी कर लें, हमारे आदमी मेहनत मजदूरी करते हैं, सड़क पर काम करते हैं और वो दे नहीं रहे। कब प्लॉट लिया आपने? एक साल 2 महीने हो गए। तो क्या कौन लोग हैं कौन वो अजना के बदमाश लोग हैं, वो ये कह रहे हैं हम कब्जा करेंगे, हम देंगे नहीं प्लॉट। 200 गज का मेरे भाई ने प्लॉट लिया था अपनी लड़की की शादी के लिए, साहब गांव की जमीन बिगाड़ी है, हमने भी सहारा लगाया था, साफ चलाई करते हैं सड़क पे, आप इंक्वायरी करा लीजिए। तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका? साहब अजना के रहने वाले, ताहिर नाम है उनका और हम गए थे तो हमने देखा कि दीवार और मुंह लगवा रहे थे, हमने उनसे ये कहा कि साहब ये तो हमारा प्लॉट है, तो कह रहे आपका कैसे हो जाएगा, हम 250 गज का पहनावा करा के लाए, साहब साइट है हमारी
जान से मार देंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी तो सब जगह सेटिंग चलती है। फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब नाले की सफाई के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई और जिसे मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीलीभीत शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गन्ना चौराहे के पास पंजाब के नंबर की सफेद जिप्सी खड़ी हुई थी और उसके ऊपर आपको बता दें कि आपत्तिजनक AK-47 का पोस्टर चिपका हुआ था जिसके नीचे लिखा हुआ था द वर्ल्ड पावर ऑफ द खालसा। इस जिप्सी पर उधर से ही निकल रहे ARTO वीरेंद्र सिंह की नजर पड़ी तो उन्होंने अपने सहयोगी के साथ इसकी जाँच करना शुरू किया। तो जिप्सी के ड्राइवर ने बताया है कि वह स्कूल बच्चों को लेकर आया हुआ है और ARTO ने ही जांच की तो मालूम पता चला कि 2011 से ही इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और जिस पर इसका 12,000 का चालान कर दिया गया है और ARTO ने यह भी जानकारी दी है कि इसके ऊपर किसी गन का निशान भी बना हुआ है। 10V0274 गाड़ी जो कि पंजाब नंबर से है और 2011 से इसका रजिस्ट्रेशन जो है फेल है और गाड़ी के सामने इसने जो है दो गन बनाए हुए हैं, न तो गाड़ी के कोई पेपर है, न गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस है, न तो इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। गाड़ी पे जो है कार्रवाई की गई है और हिदायत दी गई कि आज इसमें बच्चे हैं, गाड़ी को तुरंत कबाड़ में जो है कर दें, अन्यथा गाड़ी पाई जाए तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और गाड़ी सीज की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।